नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। काफी अच्छी कंपनी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है। पिछले कुछ समय में स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो मुझे लगा इस पे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको स्टॉक से रिलेटेड अपडेट और बाकी डिटेल्स अच्छे से पता पड़ जाए। तो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कंपनी का। काफी सारे लोगों को लगता है दिस कंपनी इज एग्जैक्ट पीयर ऑफ एफल इंडिया, बट बोथ द स्टॉक्स आर वेरी गुड, बट बिजनेस इज अ बिट डिफरेंट यू कैन से। तो बिजनेस मॉडल समझेंगे कंपनी का, स्टॉक्स रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने इसका किया है तो फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फ्यूचर में स्टॉक्स रिलेटेड, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, और एंड में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हमारे क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस स्टॉक से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। सो इनेबलिंग क्लाउड कम्युनिकेशन फॉर पीपल एंड थिंग्स, मैसेजिंग, वॉइस एंड आईओटी। आईओटी इज बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फ्रॉम 2000 टिल नाउ वी हैव कम अ लॉन्ग वे। टुडे वी आर प्राउड टू हैव अचीव्ड ग्लोबल लीडरशिप इन आवर डोमेन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। तो कंपनी के अगर मेन बिजनेस की बात करें तो क्लाउड कम्युनिकेशन पे कंपनी ऑपरेट करती है। अगर क्लाउड कम्युनिकेशन को समझना चाहे तो देखिए, पर्सनल लेवल पे मैं बोलूं तो मेरा डेटा बहुत थोड़ा सा है, 1 TB, 2 TB या 10 TB में हार्ड डिस्क में सेव कर सकता हूं। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं उनको क्लाउड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका डेटा बहुत ज्यादा होता है तो अपनी पर्सनल हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर सकते। उनको ऐसी कंपनी की सर्विसेज चाहिए ताकि वो अपना डेटा वहां जाके सेव कर सकें क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो क्लाउड कम्युनिकेशन की जो सर्विस कंपनीज होती हैं वो ये सर्विसेज देती हैं, सारा डेटा आपका लेती हैं, अपने डेटा सेंटर्स में डालती हैं। अब इसको क्लाउड क्यों बोलते हैं? इसको क्लाउड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेटा जो होता है एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड में, आप कहीं भी बैठे हो, चाहे कोई आदमी अमेरिका में बैठा हो, चाहे कोई आदमी इंडिया में हो या आप रशिया में हो, सारे जो लोग हैं एक ही बिजनेस के अपना डेटा एक सेंटर के थ्रू वर्ल्ड में बैठकर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाउड कम्युनिकेशन। अब देखिए, ये बिजनेस फ्यूचर में भी अच्छा क्यों कर सकता है? देखिए, अगर बिजनेस लेवल पे आप लोग बात करें या पर्सनल लेवल पे बात करें, फ्यूचर में क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज की जरूरत ज्यादा इसलिए पड़ेगी क्योंकि बिजनेसेस इंडिया के बाहर भी जाके ऑपरेट करेंगे। हमारी हम बोलते हैं कंट्री डेवलपिंग है, तो डेफिनेटली बिजनेसेस बढ़ेंगे, अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करेंगे, तो उनको क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। अगर पर्सनल लेवल पे भी बात करें तो हमारा डेटा जो हम लोग हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, आजकल कई लोग क्लाउड सर्विसेज भी लेते हैं ताकि इनकेस आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, स्टिल यू विल बी हैविंग अ प्लेस where you can access your data is encrypted, your data is safe. तो ऐसी services future में जरूर से बहुत ज़्यादा popular होने वाली हैं, and even Indian government has also started their cloud communication services. काफी cheap rate में आपको एक cloud space वो देते हैं जहाँ आपका data आप save कर सकते हैं। तो definitely this kind of technology is booming and business of this company is looking very good in future. अब देखिए, कंपनी में इतना इंटरेस्ट लोग दिखा क्यों रहे हैं? तो रिसेंट न्यूज की बात करें तो तानला प्लेटफॉर्म लॉन्चेस न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी ने पार्टनरशिप की है और अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इट इज अ बिग न्यूज। उसके बाद बात करें तो नवंबर के महीने में जो MIT है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने तानला प्लेटफॉर्म के काफी ज्यादा शेयर खरीदे थे, और इस न्यूज के चलते डेफिनेटली जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि इस न्यूज से पहले ही स्टॉक में अपर सर्किट लगना चालू हुआ था क्योंकि मोस्टली मार्केट इस टाइप की न्यूज पहले ही फैक्टर इन कर लेता है। तो काफी अच्छी न्यूज है कंपनी से रिलेटेड, एंड डेफिनेटली इट इज एविडेंट दैट दिस कंपनी इज ग्रोइंग इन अ वेरी फास्ट रेट। दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी, 10,524.46 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0 है, पी रेशियो भी डेफिनेटली ज्यादा है, वैल्यूएशंस कंपनी की ज्यादा है, बट लेकिन पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बड़ा कि कंपनी डेट फ्री है। स्मॉल कैप कंपनी डेट फ्री, बिग पॉजिटिव पॉइंट। कैश अवेलेबल 119.03 करोड़ रुपीज। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग कंपनी की बहुत इंप्रेसिव है। आप देखिए, मार्च 2020 में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो थी 32.42 और दिसंबर 2020 में हो गई 41.18। तो कंटिन्यूअसली मार्च 2020 के बाद प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, 32, 35, 39, 41। तो कंटिन्यूअसली शेयर होल्डिंग इज इंक्रीजिंग एंड देयर इज नो शेयर व्हिच इज प्लेज्ड, व्हिच इज शोइंग दैट फंडामेंटल कंडीशन ऑफ दिस कंपनी इज गुड।
और ये चीज कंपनी के रिजल्ट्स में भी दिखती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की आप बात करेंगे तो दिसंबर 2019 में कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2020 में 94 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2019 में 64 था और दिसंबर 2020 में 127 है। तो आप देखिए, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो डबल जंप है ऑलमोस्ट, बट नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है, काफी ज्यादा जंप है नेट प्रॉफिट में। ये दर्शाता है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मेकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है सेल इंक्रीज के साथ, बट नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग विद हायर मार्जिंस। अगर ईयर टू ईयर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी की कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बहुत हेल्दी साइन है। अगर एक कंपनी अपनी सेल्स कंटिन्यूअस बढ़ाती जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, जिसको आप एबिटा बोलते हैं, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो 2018 की बात करें तो नेट प्रॉफिट था 19 करोड़, 2019 में नेट प्रॉफिट था 30, 2020 में ये दिखा रहे हैं लॉस 211 करोड़ का। क्यों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फिर भी काफी बड़ा है, बट देखिए यहां अगर आप डेप्रिसिएशन देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इज 378 करोड़ रुपीज इन 2020। अब देखिए, मैं अपने वीडियोस में इसलिए आपको डीप में सारा डेटा लेके आता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीजों में बने। तो हम देखते हैं कि ये 378 करोड़ रुपीस आया क्यों। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए वी आर रेफरिंग लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में डेप्रिसिएशन इज 377.8, वहां 378 था, सो राउंड फिगर किया हुआ था। सो जो ट्राय था, उन्होंने जुलाई 19, 2018 को ये डिक्लेयर किया कि कमर्शियल कम्युनिकेशन जो है, वॉइस एंड टेक्स्ट शुड बी प्रोवाइडेड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दिस मूव टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्लाउडिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हैज रिजल्टेड इन नीड ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी एसेट needed leading to the additional provision of accelerated depreciation. So this was the reason because of that depreciation was so high in this period. बाकी अगर operating margin की बात करेंगे तो आप काफी अच्छा था, और अगर net profit का भी trailing 12 month का data देखेंगे, so it has improved a lot. So definitely it is not a negative sign. Just because of government decision, this figure has increased so much. अगर आप टिकट टिप पे भी इस कंपनी को देखेंगे तो एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिए, 900% से ऊपर के रिटर्न है। अगर इन्वेस्टर्स की माने तो 100% से ज्यादा, एनालिस्ट की माने सॉरी, तो 100% एनालिस्ट बोलते हैं आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो दे आर कंसीडरिंग इट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। रेड फ्लैग इसलिए लगा रखा है क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा भागा है पिछले कुछ टाइम में, तो डेफिनेटली सेबी जो है उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं सर्विलेंस लिस्ट में डाल देती है। डिविडेंड रिटर्न बहुत कम है हमने देखा। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो दिस प्लेटफॉर्म इज मेंशनिंग दैट यू माइट गेट लेस रिटर्न, बट इन माय ओपिनियन यू विल गेट बेटर रिटर्न। इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए दे डोंट हैव सफिशिएंट डेटा। अब देख लेते हैं स्टॉक में चल क्या रहा है। तो नवंबर के बाद आप देखिए एकदम से वर्टिकल मूवमेंट था स्टॉक का। नवंबर में जो एमआईटी से रिलेटेड न्यूज थी उसको मार्केट ने काफी पॉजिटिव लिया, उसके बाद दोबारा स्टॉक में करेक्शन आया और अभी स्टॉक कंसोलिडेशन में। ये जो थिक ब्लू लाइन है इसकी मेन सपोर्ट लाइन है यहां, और 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने रिसेंटली सपोर्ट लिया। अब देखिए जो 776 के आसपास का जो लेवल है ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको काट लेता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे प्राइस के साथ, तो जो 900 रुपए के आसपास के लाइफ टाइम हाई हैं वो आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में करेक्शन होता है तो 670 के आसपास के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी गिरता है, मार्केट में करेक्शन आता है, 500-1000 पॉइंट का करेक्शन आ जाता है, तो 600 और 500 के आसपास के लेवल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मेरे हिसाब से 670 का लेवल है और 600 का जो लेवल है ये अच्छे लेवल है। अगर स्टॉक गिरता है तो डेफिनेटली जो लोग बाय करना चाहते हैं इन लेवल्स पे, थोड़ा थोड़ा स्टॉक को बाय कर सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको फायदा ना हो, बट लॉन्ग टर्म में इन माई ओपिनियन दिस कंपनी कुड गिव गुड रिटर्न्स। दोस्तों, अगर स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं 89.29 डेज से 61.20, तो कंपनी के पास पैसा जल्दी आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जैसा हमने बात की इंक्रीज हो रही है, लास्ट क्वार्टर में भी इंक्रीज हुई है और कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स आर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। और सेल्स ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी है, अगर लास्ट 10 ईयर का एवरेज देखा जाए तो 26.83। अब नेगेटिव्स क्या है, वैल्यूएशन हाई है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.07 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल की नेगेटिव है। तो ये दो चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर फाइनली वीडियो को कंक्लूड करें तो कंपनी इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव, कंपनीज फील्ड ऑफ बिजनेस इज वेरी इंप्रेसिव, क्लाउड कम्युनिकेशन पे कंपनी काम कर रही है आप कह सकते हैं। अगर बिजनेसेस की बात करें या पर्सनल लेवल पे भी बात करें, इस टाइप की सर्विसेज का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाला है फ्यूचर में। तो डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म दिस कंपनी इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। फॉर बाइंग प्लीज कंसिडर लेवल विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा।
I will really appreciate if you like the video and please share it with your friends. And please, if you have any input, any feedback regarding the video channel, mujhe comment box mein zarur batayega. To chaliye milte hain next video mein. Tab tak ke liye bye bye, Vande Mataram.